यूपी से आने वाले करीब 10 सांसदों ने ली मंत्री पद की शपथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह, हरिपुर सिंह ने बने कैबिनेट मंत्री, तो जितेंद्र प्रसाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल समेत 8 सांसद बने राज्य मंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरदीप पुरी सिंह जो है वो भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इसके अलावा जितेंद्र प्रसाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल समेत 8 सांसदों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। महाराजगंज से विजेंद्र, आगरा से शिव चौहान और गोरखपुर से हमारे साथ जीबी सिंह जुड़े हैं लाइव। और किस तरह से धरातल पर तस्वीर है मोदी 3.0 की टीम बनने के बाद। तो सबसे पहले जीबी आपका मैं रुख करना चाहूंगी, गोरखपुर में क्या तस्वीर उभर कर सामने आई है, क्योंकि मोदी 3.0 की टीम पूरी तरीके से तैयार हो गई है और कई जो उत्तर प्रदेश से मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ ली। ठीक बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर के लोगों में खासा उत्साह कल दोपहर से ही देखने को मिला। लोग जो है एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। और यहाँ जो कमलेश पासवान, जबकि 4 बार के विधायक, बांसगांव संसदीय सीट से हैं, हम उनके गांव का जब हाल लेने पहुंचे तो रात में देर रात तक लोग जो है एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, मिठाइयां खिलाने का मतलब कुल मिलाकर के लोगों में जो हर्ष और खुशी का माहौल देखने को मिला वो गोरखपुर में साफ तौर पर दिख रहा था। साथ ही पास में गोरखपुर से सटे ही ये बांसगांव संसदीय सीट है और 2009 से लेकर के लगातार चौथी बार कमलेश पासवान को जनता ने आशीर्वाद दिया और मोदी ने उनको अपने कैबिनेट में जगह दी। इसको लेकर के यहाँ गांव में भी लोगों में खुशी का माहौल है। जी बिल्कुल जीवी सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। आगरा का भी रुख कर लेते हैं जहाँ शिव चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। शिव, देखिए पहले से ही जो है कयासों का बाजार गर्म था कि इस बार एसपी सिंह बघेल जो है वो मंत्री तौर पर शपथ लेते नजर आएंगे। और देखिए तस्वीर भी कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ते हुए मोदी 3.0 की टीम में उन्हें भी जगह। बिल्कुल ताजनगरी आगरा में खुशियां दोगुनी देखी जा रही हैं कि पहले एसपी सिंह बघेल ने 2,71,000 से जीत हासिल की और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित तौर से उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। और उसके बाद जब कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो एसपी सिंह बघेल, जो कि आगरा के रहने वाले हैं, इन्होंने मोदी मंत्रिमंडल में शपथ ली और उसके बाद आगरा की सड़कों पर जश्न का माहौल देखने को मिला। राजनीतिक करियर एसपी सिंह बघेल का बड़ा लंबा है, क्योंकि जब सपा जो सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव थे और जब मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ ये सब इंस्पेक्टर के पद पर थे और उसके बाद इनको सुरक्षा गार्ड बनाया और उसके बाद वहीं से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। और उन्हें नौकरी छोड़ने के बाद पहली बार जलेसर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और उसके बाद रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और उसके बाद समाजवादी पार्टी छोड़कर अक्षय यादव के सामने फिरोजाबाद से चुनाव लड़े। हालांकि बसपा में शामिल होने के बाद चुनाव लड़े थे लेकिन हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद पूर्णला से ये यूपी से चुनाव लड़े जिसमें इनको कैबिनेट में शामिल किया गया। और फिर आगरा से जब एस रामचंद्र कठेरिया की टिकट काटी गई तो आगरा से पहली बार ये सांसद बने, पहली बार इन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं दूसरी बार एसपी सिंह बघेल ने शपथ ली है और आगरा में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, महाराजगंज में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है मोदी 3.0 की टीम बनने के बाद विजेंद्र? जी बिल्कुल, बता दें कि महाराजगंज में भी कल रात से ही यहाँ जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो जश्न मना रहे थे। इस समय हम जहाँ मौजूद है ये पंकज चौधरी का आवास है, ये धनेवा धनेई में स्थित है। अभी तो यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने बताया कि अभी उनका परिवार और वो लोग दिल्ली में ही है। आज शाम जैसे ही वो यहाँ महाराजगंज में आएंगे उसके बाद एक बार फिर यहाँ जश्न का जो नजारा होगा वो बिल्कुल ही बेहद अच्छा ही होगा। और यहाँ पे सांसद जो पंकज चौधरी है ये 6 बार सांसद पद का पद जीतने के बाद अब इस बार 7वीं बार उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि महाराजगंज में चौधरी बनाम चौधरी की लड़ाई थी लेकिन उसमें भी पंकज चौधरी 35,000 वोटों से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। जी ठीक है, एक बार फिर से हम जीबी सिंह का रुख करेंगे। जीबी सिंह, यहाँ पर मोदी 3.0 में कई मंत्रियों को उत्तर प्रदेश से जगह मिल गई है लेकिन अगर हम बात करें नतीजों की तो प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। ऐसे में अब उत्साह तो देखने को मिल रहा है लेकिन उम्मीदें किस तरह से नए सांसद से, नए मंत्री से?
देखिए निश्चित रूप से नतीजों की बात करें तो यहाँ शुरू से ही मतगणना के दिन शुरू से ही जो है एक कड़ी टक्कर देखने को मिली बांसगांव संसदीय सीट पे, जबकि आंकड़े जो है बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहे, कभी कमलेश पासवान आगे कभी गठबंधन के सदल प्रसाद आगे, तो ये क्रम करते करते अंततः आकर के मात्र लगभग 3000 कुछ वोटों से कमलेश पासवान आखिरी में चौथी बार लगातार विजयी घोषित हुए। ये एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि यहाँ बांसगांव के लोगों में भी जो है खुशी की लहर थी, क्योंकि बहुत ही कड़ा मुकाबला था, कुछ गठबंधन के लोग थे इनमें, कहीं कहीं नोक झोंक भी देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर के जो ये जीत हुई है इसमें कहीं ना कहीं एक बहुमत का आंकड़ा आया है सामने और कमलेश पासवान को उसका लाभ मिलता दिख रहा है। यहाँ गोरखपुर जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर इनके इनका जो मूल निवास है, हम आपको बता दें कि इनके पिताजी भी राजनैतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, इनके पिताजी यहाँ मानीराम से लगभग 3 बार विधायक रहे और ये अपने सांसद की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए बांसगांव पहुंचे जहां इनकी हत्या कर दी गई एक कार्यक्रम के दौरान, और उस समय कमलेश और बिमलेश पासवान ये दोनों लोग छोटे थे और इनकी माताजी ने वहां से चुनाव लड़ा सपा के टिकट पे और पहली बार जो है सुभावती पासवान वहां से सांसद बनी और उसके बाद फिर कमलेश पासवान ने मानीराम अपने पिता की विरासत वाली विधानसभा सीट से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और वहां से आज चौथी बार सदन में पहुंचे और मोदी के कैबिनेट में उन्होंने अपनी जगह बनाई। तो इसको लेकर के गोरखपुर की उम्मीदें जो है वो कुछ ज्यादा ही दिख रही हैं। लोगों को लग रहा है कि एक तरफ सीएम का ये सीएम सिटी है, मुख्यमंत्री का शहर है, चौतरफा विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर के सांसद कमलेश से भी जो अब कैबिनेट में मंत्री है उनसे भी उम्मीदें लोगों की दिख रही है। जी हाँ बिल्कुल, एक बार शिव का रुख कर लेते हैं। शिव, बेहद प्रदर्शन बेहद खराब रहा हो, लेकिन हालांकि अब उन पर भी कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश होगी, लेकिन अगर बात करें मोदी 3.0 की टीम की तो कहीं ना कहीं यूपी का दबदबा अभी भी दिखाई पड़ा है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम आई हैं उसका कारण यही रहा है कि लगातार भाजपा को विरोध का सामना करना पड़ा। आगरा में आगरा लोकसभा सीट से एसपी सिंह बघेल ने चुनाव लड़ा तो उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि 5 साल जब मंत्री रहे और उसके बाद जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस डैमेज को कम समय में इन्होंने कंट्रोल कर लिया और उसके बाद फिर से दोबारा इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। जबकि उत्तर प्रदेश में जब सीटें कम आई हैं तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई उत्तर प्रदेश में, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि वीआईपी कल्चर है उसे खत्म किया जाए और जनता के बीच में सांसद हो या विधायक वो जनता के बीच में सीधे तौर पर जाए, अपने आवास पर न बुलाए। तो ये भी कारण एक रहा है कि जितनी भी सीटें हैं आगरा में लोकसभा, फतेहपुर सीकरी की बात कर रहे हैं, आगरा लोकसभा की, तो दोनों पर विरोध देखने को मिला था लेकिन दोनों ने फिर से जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जाएगी कि इस बार जो मंत्रिमंडल में जगह मिली है जनता पर ये खड़े उतरे। जी बिल्कुल, और पिछली बार भी सरकार में मंत्री रह चुके हैं एसपी सिंह बघेल और अब आगे किस तरह से और वो उम्मीदों पर खरा उतरते हैं देखना होगा। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।